बहिष्कार होगा, ईवीएम का बहिष्कार, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे हम। जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये देश संविधान से चलता, समझते क्यों नहीं बात आपको? अरे कोई कुछ भी बन जाता है, हम तो नहीं मानते तुम्हारे बाबा जैसे इनको, जो धर्म के नाम पर देश को चलाना चाहते हैं। जो बाबा भगवान से मिलने वाले थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे बैठे, इनको धर्म के नाम पर देश को बंटवारा चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश किसी की बपोती नहीं है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। एक बार फिर से हम मौजूद हैं पटियाला कोर्ट के साइड। इधर प्रदर्शन चल रहा था, ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर आंदोलन, नारे लगाए जा रहे हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। जो वकील थे उनको डिटेन करके ले जा चुके हैं, यहाँ पे पुलिस भी थी डिटेन करके ले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन को झुकना होगा, इलेक्शन कमीशन को जनता की आवाज़ को मानना होगा, और अगर नहीं मानेगा तो हम इलेक्शन कमीशन को भी उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। एक बीते एक महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, क्या अभी तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ से मुलाकात हुई है इस मामले को लेकर? यही तो हम लोग जा रहे थे, तो हमें डिटेन कर लिया गया, और यही हमारे सीनियर हो गए हैं कि डीवाई पाटिल से बात होगी, अगर वो नहीं माने तो और आंदोलन तेज होगा, अगर वो मान गए और प्रस्ताव कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि आप इलेक्शन ये जो ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट लाओ, तो ठीक है हम शांत है, और अगर नहीं माना तो हम शांत नहीं रहेंगे, हम सड़कों पे जान दे देंगे। 24 में चुनाव होगा तो बहिष्कार करेंगे क्या? अगर 2024 में बहिष्कार होगा, ईवीएम का बहिष्कार, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे हम। जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और 31 जनवरी को 2 लाख से ज्यादा पूरे भारत से आकर इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया। लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि जो 2024 में जो चुनाव होंगे वो हम ईवीएम से नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से ही चुनाव होने देंगे, और लगातार ये नारे लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन करने के लिए उतर गए हैं सड़कों पे ये लोग, किसी चीज को लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने नंबर भी जारी करा था कि इस पर मिस कॉल दीजिए अगर आपको ईवीएम से चुनाव नहीं कराने हैं तो। मुसलमान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको, इनको धर्म के नाम पर देश को बंटवारा चाहिए, इनको संविधान नहीं चाहिए, इनको रोजगार नहीं चाहिए, इनको लोगों को एजुकेशन नहीं देनी है, लोगों को रोजगार नहीं देना है, लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं लोग। क्या आप जाएंगे 80 करोड़? क्या आप जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में? मेरे पास पैसे नहीं है जाने के लिए, कहाँ जाऊंगा मैं? सार्वजनिक छुट्टी की है ना? नहीं, कोई होने में हम काम करते हैं, हम काम करते हैं, काम के लिए यहाँ पर आए हैं, काम के लिए आए हैं, जो जिनको पूजा करनी है घर कर लेते हैं हम। लेकिन चारों शंकराचार्य ने विरोध जताए, कहा है हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा। अब शंकराचार्य बताएंगे क्यों क्या करना चाहते हैं, शंकराचार्य ज्यादा बड़े हैं, शंकराचार्य भी इस देश में बड़े हैं, सारे जितने चारिया वारिया है ना, ये जितने भी हैं इन देश में इनकी जरूरत ही नहीं है। क्या कौन सा देश में जरूरत नहीं है? क्या बात कर रहे हो? संविधानिक पद है क्या? नहीं संविधानिक पद नहीं है, कोई बैठ जाओ। आस्था के नाम पर चार बताया नहीं, सबसे बड़े ऊपर इतने बाबा घंटाल बाबा जेल में पड़े हुए हैं, क्या अपने आप कोई बाबा बन जाता है? कोई संविधान ने पद दिया है क्या? ये कोई संविधान ने पद दिया है क्या? मौलवी का, बाबा का, इनका शंकरा पंकराचार्य का कोई दिया है क्या? नहीं। ये देश संविधान से चलता, समझते क्यों नहीं बात आपको? अरे कोई कुछ भी बन जाता है, क्यों बन जाए कोई कुछ भी? लेकिन सर मैं वकील हूँ, मैंने ट्रेनिंग करी है ना भाई। हाँ। तुम पत्रकार हो, तुमने ट्रेनिंग करी है ना। हाँ। कोई अपने आप ही बन जाता बाबा, हम तो नहीं मानते तुम्हारे बाबा जैसे, इनको हम नहीं मानते लोगों को, हम संविधान पर बैठे हुए पद हुए लोगों को मानते हैं। संविधान से देश चलेगा, किसी और चीज से देश नहीं चलेगा। पर संविधान पर बैठे हुए पद वाले ही तो अहमियत दे रहे हैं, इसलिए जनता अहमियत दे रही है, इसलिए तो बदलना चाहते हैं, इसलिए तो बदलना चाहते हैं उनको, जो धर्म के नाम पर देश को चलाना चाहते हैं, ईवीएम को बंद करके समझे ना, उनको बदल देंगे, देश जनता बदल देगी। देश जनता संविधानिक पद पे नहीं कर सकते, फिर मोदी जी जा रहे हैं, आप कोर्ट पे क्यों नहीं जाते सुप्रीम रोक लगाने? अरे भैया सब कोर्ट में रात दिन रहते हैं, सब मिले हुए हैं, सारे लोग मिले हुए हैं, देश की जनता बदलेगी? देश की जनता से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, देश की अदालत जो है वो जनता की अदालत है। जिस दिन जनता, कितने बनाया मोदी प्रधानमंत्री, जनता ने बनाया ना, जनता बदल देगी 2024 में, बदल देगी ना, तो हम उसकी अदालत में जा रहे हैं, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जहाँ एक मिनट में मुकाबला हो जाता है, एक मिनट में सफा हो जाता है। ये वकील भी अब राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल, वकील तो पहले से राजनीति करते हैं, पहले से राजनीति करते हैं, करनी चाहिए राजनीति, सबको राजनीति करनी चाहिए, सबको राजनीति करनी चाहिए। जिनकी दादी को 30 गोली लगी वो राजनीति कर रहे हैं, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया वो राजनीति कर रहे हैं, उनको इटली चला जाना चाहिए था राजनीति करके, बताइए। वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, जो बाबा भगवान से मिलने वाले थे
कुछ दिन में मिल जाते बाबा, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे बैठे तुम कह रहे राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति करनी चाहिए, क्यों नहीं राजनीति करनी चाहिए? आपको भी राजनीति करनी चाहिए, मेरे को भी, हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। आप लोग आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, इस देश के लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए लोग देश के परेशान है, देश के लोग परेशान है लोग। लेकिन सर आप जैसे लोगों के लिए ही बाबा बागेश्वर ने कहा है, जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं वो रावण की संतान है। कौन है वो बाबा बागेश्वर? मैं नहीं जानता। बाबा बागेश्वर चमत्कारी बाबा, मैं नहीं जानता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर वकीलों को क्यों याद आया ईवीएम का, मैं नहीं जानता बाबा को। तो ये लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कि 2024 में हम लोग बैलेट पेपर से ही चुनाव करा के रहेंगे, क्योंकि ईवीएम को इन्होंने बेईमान मशीन बता दिया है, और साथ ही साथ लगातार ये भी कह रहे हैं कि हम इसी तरीके के प्रदर्शन करेंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। इसकी बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, गलत का विरोध करेगा तो उनका चेहरा चमकाता है। समर्थन मिल रहा है किसी भी पच्चीस पार्टी का? सर समर्थन सर हमें, हम देश की आवाम है, देश की जनता है, हम राजनीतिक लोग नहीं है। हमें मैंने क्या कहा कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीर जिंदा होते वो खुद चले आते हैं। वकील कोर्ट में तो खुद ईवीएम से चुनाव हो रहा है वकीलों का, वहाँ तो बैन करा नहीं पा रहा है वकील, नहीं देश में बैन करा रहा है। देखिए अगर मैं कहता हूँ सर, अगर आवाज उठी है, अगर कोई ना कोई संदेह है, कोई ना कोई वजह है, तभी तो ये आवाज उठाई जा रही है, वरना इन वकीलों को ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, अपना टाइम खराब करके आ रहे हैं सड़कों पर। बार काउंसिल में तो ईवीएम हटा ले पहले। तो सर ईवीएम पहले जब मांग हुई है तो धीरे, देखिए जब ज्यादा कचरा हो जाता है ना तो धीरे धीरे साफ होता है। अगर देश में गलत तरीके से काम हो रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है सरकारी संस्थाओं का, तो उसको धीरे सर हम फेमस होने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सर राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, राम मंदिर मोदी जी ने या बीजेपी ने नहीं बनाया, राम मंदिर मेरे देश के उच्चतम न्यायालय ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, संविधान ने बनवाया। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश किसी की बपोती नहीं है, ये देश लग रहा है देश में तानाशाही चल रहा है। सर एक बात बताइए, आप खड़े होकर धरना दे रहे हो और ऊपर से कह रहे हो तानाशाही चल रहा है, तानाशाही होती तो सर ये हमारा सर मौलिक फंडामेंटल राइट्स है सर, हमें अपनी बात रखने का, कहने का, प्रदर्शन करने का पीसफुल तरीके से हमें पूरा अधिकार है। तानाशाही है, तानाशाही थोड़ी ना। सर एक बात बताइए, अगर हम कोई अपने अगर आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत है? क्या लोकतंत्र नहीं आपका अधिकार है? तो सर हमारी जो मांग है, जो जायज मांग है, तो चुनाव आयोग हमें 50 मशीनें क्यों नहीं दे देता? कोई राह चलते व्यक्ति ने तो ये आवाज उठाई नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जो भानु प्रताप जी और पराचा जी, उन्होंने ये आवाज उठाई है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। अरे खुश नहीं है क्या? मंदिर का उद्घाटन हो रहा सर, मंदिर का उद्घाटन हो रहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। मंदिर बना है, लेकिन मंदिर सर किसने बनवाया है? मंदिर किसने बनवाया सर आप बताइए? आपने मोदी जी ने। और क्या आप कैसे कह सकते हो? तो फिर सुप्रीम कोर्ट का सर बीजेपी कह रही है, वो उनकी मानसिकता है। अगर बीजेपी ने ही मंदिर बनवाया है, सुनिए सुनिए सर सुनिए, अगर बीजेपी ने ही मंदिर बनवाया है तो 1999 से लेकर 2004 तक भी भाजपा की सरकार रही थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब मंदिर क्यों नहीं बना अगर बीजेपी ने बनवाया? सर टूटी फूटी सरकार नहीं थी। देखिए न्यायालय के मामले में किसी का दखल नहीं होता, न्यायालय में फैसले होते हैं, बीजेपी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया। देखिए और राजनीतिक से धर्म का कोई मतलब नहीं है, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, देश धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हमें धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करने की और धर्म को मानने की इजाजत भी हमारा संविधान देता है। संविधान से ही तो चल रहा है, मोदी जी तो खुद मानते हैं संविधान को, बाबा साहब को। देखिए सर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय माननीय श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। देखिए हमने प्रधानमंत्री जी को या किसी भी नेता को हम अपना वोट जो देते हैं मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं देते, हम अपना वोट कॉलेज बनाने के लिए देते हैं, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए देते हैं, अच्छा डेवलपमेंट के लिए देते हैं, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए देते हैं और देश की खुशहाली और तरक्की के लिए देते हैं। खुश नहीं लग रहा है 5 तारीख का? सर हम खुश हैं। एक बार बताइए सर, आपने कभी एक भी सवाल किसी भाजपा के सत्ता के नुमाइंदों से पूछा? नहीं नहीं सुनिए, जश्न मना रहे हैं, सुनिए सुनिए, वो इनविटेशन देने वाले कौन होते हैं कि मंदिर का इनविटेशन अगर आपको या मुझे नहीं मिलेगा तो क्या हम नहीं जा पाएंगे? संविधान में एक आर्टिकल 25 है, यानी कि अनुच्छेद 25, उसमें क्या लिखा है कि हर व्यक्ति को धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करने की, पूजा अर्चना नमाज आदि पढ़ने की करने की पूरी इजाजत है। अगर आपको या मुझे निमंत्रण नहीं मिलेगा तो क्या मैं दर्शन करने नहीं जा पाऊंगा? तो सर वही तो सर देखिए आप क्रेडिट ले रहे हैं,
आप क्रेडिट ले रहे हैं हर कहीं सर, तो कुछ तो आप जैसे मीडिया बंधुओं ने कभी सरकार से सवाल पूछा कि 2 करोड़ नौकरियां क्यों कहां है? 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियों पर पूछा आपने? हर व्यक्ति को जिसका कच्चा मकान था पक्का देने का वादा हुआ था 22 तक, पूछा आपने? काला धन लाने की बात हुई थी, पूछा आपने? देश में अरे बिना पूछे इतना सब कुछ दे दिया और सर क्या सर, तभी तो कर्जा 2,05,000 करोड़ का हो गया, पूछा आपने? हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पर आ गए, कभी पूछा आपने? अरे सर जसन देखिए देखिए भगवान राम, सुनिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान श्री राम सबके हैं। और एक गाना बना था आपने सुना होगा, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे, राम को ये लोग लेकर आए हैं, राम अजर और अमर है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। भगवान सुनिए, भगवान राम के बारे में आप पढ़िए, उनकी जो किया है उन्होंने, वो सत्ता के लोभी नहीं थे, सत्ता के लोभी होते तो राजपाट छोड़कर वनवास नहीं चले जाते। भीग रहे थे, छत दे दिया बीजेपी। सर बीजेपी ने नहीं दिया, फिर आप सर ये बात कह रहे हैं, बीजेपी कौन होती है देने वाली? राम मंदिर दिया है मेरे देश के उच्च न्यायालय ने दिया है, मेरे देश के संविधान ने दिया है, तो हम संविधान का और न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के प्रति बात करते हैं, हम कोई गलत के समर्थन में नहीं है। सभी को घर मिल गया, मोदी जी सभी को घर दे दिया सर, घर मिल गया सभी को। अभी अभी आपने यहाँ पर आओगे सुनिए, रेड लाइटों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर और जो फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, तमाम ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेके एक राजनीतिक मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि ये शायद राजनीति करने की कोशिश है, क्योंकि जो मोदी जी है वो जो राम मंदिर उसका उद्घाटन करने में व्यस्त है, तो यहाँ पे लोग ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी चीज़ें नजर आ रही है कि शायद ये राजनीतिक जुमला भी हो सकता है कि राजनीति से भटकाना, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो राम मंदिर एक तरीके से वोट बैंक कहा जा सकता है, क्योंकि आस्था लोगों की जुड़ी होती है उससे। और अलग जो ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा कि जो ईवीएम है वो बेईमान मशीन बताई जा रही है, कि ईवीएम को हैक करा जा सकता है, लेकिन वही चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि ईवीएम को हैक करना नामुमकिन है। अब आपकी इस पर क्या राय है कि ईवीएम को हैक करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।